Welcome back to my channel, Dreamlines USA में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं USA में ड्राइविंग कैसे होती है, ड्राइविंग के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है और ओवरऑल ड्राइविंग का यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है। इस सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले ये एपिसोड में। चलते हैं, देखेंगे, गाड़ी का वॉश करवाते हैं, पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, ये देखते हैं अपने यहाँ के पेट्रोल पंप क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे क्या यूएस में हमें कार ज़रूरी है। अगर आप सिटी के अंदर है, डाउनटाउन के अंदर है, तो आपको कार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है सबवेज की, मेट्रोज की, बसेस की बहुत ही अच्छी है। आप वेरी इजीली पब्लिक कम्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं और आप डेफिनेटली यू डोंट नीड अ डेडिकेटेड कार, बट एज सून एज यू कम आउट ऑफ द सिटी यू नीड अ कार। आप डेफिनेटली कार होना एक एडवांटेज है यूएस में, क्योंकि यहाँ के रोड इतने ब्यूटीफुल हैं, आपको बहुत सारी रोड ट्रिप करने के लिए, वीकेंड्स एंजॉय करने के लिए, फैमिली अगर है तो ग्रॉसरी जाने के लिए, लाने के लिए कार की ज़रूरत है। अभी हम पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे हैं, जाते वक्त हम देखेंगे कि रोड्स पे बेसिक क्या सारे लॉ रूल्स हैं इनके, जो हमें बेसिकली पता होने जरूरी है, थोड़े एडवेंचरस है। तो पहला रूल देखो, गाड़ी स्टॉप हो गई है मेरी, सामने डिस्टेंस देखो अपनी गाड़ी और नेक्स्ट गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस है। क्या हम इंडिया में इतना कर पाते? नहीं, यहाँ पे और तीन गाड़ियाँ बीच में फिट हो जाएगी, इतना डिस्टेंस आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। तो इट्स समथिंग यूनिक, राइट? अभी देखो ये रेड सिग्नल है, मैं गाड़ी राइट में मार रहा हूँ, अलाउड है। जब तक आप रेड में भी हो, अगर लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो आप इजीली राइट टर्न ले सकते हो यहाँ पे, प्रोवाइडेड वॉक पाथ जो है बीच में वहाँ पे कोई है नहीं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है गूगल मैप्स पे, ये कौन से काइंड ऑफ, अपने यहाँ पे खिड़की खोलो, पूछो बॉस यहाँ से कहाँ पे मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो बता देगा लेफ्ट लो राइट लो, आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे वो चीज़ होती नहीं है, ऑन द हाईवेज हो या विद इन द सिटी हो, स्टिल यू हैव टू कम्प्लीटली डिपेंड ऑन गूगल मैप्स या GPS, आप बोल सकते हो उसको। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस कम है, बट अगर हो जाए तो बहुत बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि स्पीड्स ऑफ द कार इज वेरी हाई गाइस। यहाँ पे माइल्स में गाड़ी चलती है, तो अगर आप सोचो कि 80 माइल्स पर आवर का स्पीड है, तो इसका मतलब 140 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से गाड़ी चल रही है। सो इट्स वेरी हाई स्पीड गाइज, एंड यू रियली नीड टू बी कॉशियस वेन यू आर ड्राइविंग। दूसरी लास्ट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड ड्राइविंग है, तो आपको अपोजिट लेंस में एंट्री करने की चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज अपने यहाँ पे राइट हैंडेड ड्राइविंग है। तो आप अगर डे वन पे यहाँ पे आ रहे हो, तो गाइड्स आई डोंट रिकमेंड यू टू टेक गो बिहाइंड द स्टीयरिंग, वेट एक हफ्ता, आप देखो समझो रोड्स को, एक हाथ छोटे अंदर के रोड्स पे ट्राई करो, एंड मेक श्योर योर वॉच एंड योर डिवाइडर आर मैचिंग, दैट्स द इजिएस्ट वे टू गो एंड ड्राइव इन द राइट लेन, दैट्स वॉट आई फॉलोड। आज देखेंगे यहाँ पे यूएस में पेट्रोल पंप और पेट्रोल कैसे डाला जाता है। यहाँ पे कोई लेबर नहीं होता, लेबर कॉस्ट यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, तो जितना लेबर सेव करो उतना यहाँ पे सेव किया जाता है। और मशीन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, और मशीन होती है आपके पास अगर कार्ड है, तो कार्ड से आप डायरेक्टली पेट्रोल डाल सकते हो। यूजुअली तीन टाइप के पेट्रोल आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में भी रेगुलर होता है, सुप्रीम होता है, सिमिलर टाइप का होता है। जस्ट डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे गैलन में पेट्रोल मिलता है, अपने यहाँ पे लीटर्स में मिलता है। यूजुअली 1 गैलन इज समथिंग 3 पॉइंट सम लीटर्स, और यूजुअली प्राइस है यहाँ पे $4.059, तो अप्रॉक्सीमेटली 280 रुपीज़ में आपको अराउंड अबाउट 4 लीटर या 3.5 लीटर्स का पेट्रोल आता है। प्रोसेस सिंपल है, कार्ड आप इंसर्ट कीजिए, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बोथ वर्क, आपका पिन डालिए, एंटर कीजिए, ओपन अप योर गैस टैंक, जो भी टाइप का पेट्रोल चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, पुश इट इन, प्रेस कीजिए, और वो पेट्रोल पूरा टैंक आपका भर देगा। इट्स दैट इजी गाइस। Hey guys, let's go and see how the car wash is done here. यहाँ पे car wash completely automatic होता है, कोई human labor नहीं होता। अगर human labor के साथ आपको car wash करवाना है, तो guys you need to pay $40 देने पड़ेंगे आपको, but अगर आप machine के through wash करवाएंगे, तो आपका काम हो जाता है $7 या $8 में। प्रोसेस बहुत ही ईजी होता है, कार को रैंप पे चढ़ाया जाता है, चारों बाजू से नीडल स्प्रे होते हैं, जो आपके कार के ऊपर पानी और सोप कंबाइनली स्प्रे करते हैं। रोबोटिक आर्म्स होते हैं,
जिसके ऊपर ब्रशेस होते हैं जो आपके कार को स्क्रब करते हैं और पूरी तरह से क्लीन करते हैं। फाइनली पावर ड्रायर्स ये होते हैं जो आपकी कार को सभी डायरेक्शंस में एयर थ्रो करके ड्राई करते हैं। अभी हम कार को इनर वैक्यूमिंग करेंगे। ये जो मशीन है इसमें आप वाटर्स डाल दीजिए और विथ $1 यू कैन गेट 3 मिनट्स ऑफ वैक्यूमिंग टाइम। ये बड़ा पाइप होता है सक्शन पाइप जिसको आप यूज़ करो। वाटर्स यहाँ पे सिंपल होता है, ये आप डालो इसके अंदर। गाड़ी के टायर्स पे प्रेशर चेक करेंगे। टिपिकली इस टाइप की डिजिटल मशीन आप खरीद सकते हो जिससे आपको कितना PSI गाड़ी में एग्जैक्टली टायर में जा रहा है वो आपको पता चलेगा। प्रोसेस इज वेरी इजी, अगेन आप खुद करना पड़ता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं है। सो आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। एयर पंप है, देखिए इसमें प्रेशर गेज होता है, इससे हवा आती है और यहाँ पे आपको प्रेशर दिखाएगा। इसको बस आप टायर पे लगा दो, अभी प्रेशर दिखा रहा है 32। मेरे गाड़ी का PSI है 36 PSI, तो मैं इनपुट करना चालू करूंगा। Hey, that's it for today, guys. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज इस वीडियो का और एक पार्ट में डालने वाला हूँ, Part 2, जिसमें हम बातें करेंगे यहाँ पे कार के बाइंग ऑप्शंस क्या है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।